हेलो फ्रेंड्स, मिलन मेला गार्डन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मेरा 1 साल पुराना हैबी कैप्स का प्लांट, जिसके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग भी किया हुआ है। तो ये जो पॉट है, जिस पॉट में अभी लगा हुआ है ये प्लांट, 1 साल तक लगा होने के कारण इसमें और जगह बचा नहीं है। रूट पूरा फैल गया है पॉट में, छोटा सा पॉट है तो पत्ते भी झड़ रहे हैं उस प्लांट के, और ज़्यादा हेल्दी नहीं है। पत्ते सब मतलब स्पॉटेड दिखाई दे रहा है, काला काला, मतलब जो लंबे लंबे ब्रांच आ गए हैं। तो एक तो उसी अगर पॉट में को रहने देना है तो हमको इस ब्रांच को कटिंग करना है, या फिर कटिंग अगर ब्रांच को नहीं करते हैं, छोटा नहीं करते, तो ये पॉट को हमको बदलना है, बड़ा पॉट में इसको देना है। तो मेरे पास बड़ा पॉट तो नहीं है, तो ग्रो बैग है मेरे पास, तो मैं ग्रो बैग में इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसके ऊपर और एक ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ, जो कि आप देख रहे हो कि मेरा जो पहले का ग्राफ्टिंग है ज़्यादा अभी उसमें ग्रोथ नहीं हुआ है। ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका पॉट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और छोटा होने के कारण उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा कोई भी ब्रांच में ठीक से। तो आप देख रहे हैं कि मेरा सरफेस रूट भी आ गया है। तो आपका अगर पॉट में सरफेस रूट अगर ब्रांच का आ गया है, तो मतलब उसको पॉट को चेंज करना है, क्योंकि उसमें जगह बचा नहीं है, मिट्टी वगैरह सब उसको जड़ में तब्दील कर दिया गया है। तो फिर चलिए मैं इसको खोलता हूँ। ये एक बास्केट है वुड का, जो कि मैं सीमेंट से, मैंने अपने हाथ से इसको बनाया था, सीमेंट दे के उसको स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो गया वो, तो ये पॉट में तब्दील हो गया, क्योंकि ये पहले वुड का एक बास्केट ही था जो कि किचन में यूज़ होता है। तो बहुत ही टाइट है, ये देखो खुल गया, और देख रहे हो कितना जड़ है, पूरा का पूरा मिट्टी सब खत्म हो गया, सिर्फ जड़ ही जड़ नज़र आ रहा है। तो सामने देख रहे हैं मेरा ग्रो बैग, उसी में इसमें उसको फिट कर दूंगा, और इस बार मैं कोई जड़ को छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। छेड़छाड़ करूँगा तो फिर जल्दी उसमें ग्रो हो जाता है, बट नहीं करता हूँ क्योंकि रहने देता हूँ। और इसी उसमें आप पॉट को भी देख सकते हो, जो नीचे सीमेंट है, ऊपर थोड़ा थोड़ा सीमेंट है, जो कि वुड का जो बम्बू रहता है, बम्बू के छिलके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है वो देखने में, किचन में जो भी यूज़ होता है, जो कि वो ख़राब हो गया था तो मैंने उसको सीमेंट देके रिसाइकिल कर दिया। तो इसी ग्रो बैग में उसको फिट करके कर देता हूँ, और करने के बाद मैं उसको दूसरा एक ब्रांच से फिर आज उसमें ग्राफ्ट करने वाला हूँ। कैसे ग्राफ्ट करना आप सबके उसी वीडियो में दिख जाएगा, जो अगले वीडियो में मैंने जब उसको ग्राफ्ट किया था तो आप सबको दिखा नहीं पाया था, जो कि इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि अलग डिफरेंट वैरायटी का। तो ये रहा 2-3 दिन बाद का वो प्लांट, कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो उसमें ब्रांच बहुत लंबे हो गए थे, ब्रांच को भी कटिंग करना, तो इसी जिस ब्रांच को मैंने टच किया उसी के ऊपर मैं ग्राफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वो थोड़ा मोटा है, और ऊपर वाला एक जो कि ब्रांच है तो उसमें तो ऑलरेडी मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है, जो कि पिंक कलर का एक्जोटिक है, और ये फिला वाला देसी वैरायटी है, तो मतलब झेल नहीं पा रहा है एक्जोटिक को, इसीलिए ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। मगर मेरे ख्याल से इस ग्रो बैग में वो ग्रो हो जाना चाहिए ठीक से। तो आज इस जितना भी लंबे लंबे ब्रांच उसको मैं कटिंग करने वाला हूँ, और कटिंग करने के बाद जिसमें अभी मैं कट कर रहा हूँ उसी में ग्राफ्ट भी करूँगा, एक ग्राफ्ट करूँगा, उसके बाद जितना भी लंबे ब्रांच उसको कटिंग कर दूँगा। तो कटिंग हो गया है हमारा, तो यह रहा इस वैरायटी के, आप देख रहे हैं थोड़ा रेडिश टाइप का उसका ब्रांच है। इस वैरायटी में बहुत सारा फूल आते हैं, और डबल फेड के ये फूल, कलर की बात की जाए तो पिंक कलर का है, डबल फेड का आमतौर पर कहीं भी मिल जाता है, हिबिस्कस इंडियन वैरायटी ही है, कोई एक्जोटिक नहीं है। तो ये झेल लेगा, ये येलो कलर का जो मैं अपना मदर प्लांट जो देख रहे हो उसके ऊपर ये झेल लेगा, क्योंकि उसके पत्ती बहुत छोटा छोटा होता है और फूल थोड़े बड़े होते हैं मदर प्लांट जो मेरा येलो से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जहाँ पर ये करना है उसको ठीक से साफ़ कर लेना है, उसके बाद ये तो बहुत बड़ा ब्रांच है, तो बड़ा ब्रांच के लिए इतना बड़ा तो हमको नहीं चाहिए ग्राफ्टिंग करने के लिए, सिर्फ 2 इंच काफ़ी है, तो थोड़ा सा कट कर लेंगे और भी ग्राफ्टिंग करने वाले हैं, जो कि नीचे जो मदर प्लांट है उसको चिरा लगाने वाला हूँ बीच से, और इसको भी कटिंग शेप देने वाला हूँ, तो बस बीच में घुसा देना है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। तो और कटिंग पूरा शार्प होना चाहिए, शार्प नहीं होने से वो एक्सेप्ट नहीं करता है और ग्राफ्टिंग फेल हो जाता है। तो दोनों तरफ से उसको कटिंग कर देना है, भी सेपरेट में लाना है, इसको भी ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ऐसे इधर से भी छिला फिर उधर से भी कटिंग करना पड़ेगा, जो कि भी शेप में हो जाता है, इसीलिए इसको भी सफेद ग्राफ्टिंग कहते हैं।
और वहाँ पर उसको फिक्स कर देने के बाद आपको एक प्लास्टिक से बांधना है पूरा टाइट से, जैसे कि कोई एयर वगैरह हवा पानी कुछ ना घुस पाए, नहीं तो सूख जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पर ठंडी मौसम में इतना जल्दी वो फेल नहीं होगा, हर ग्राफ्टिंग ठंडी के मौसम में सक्सेस हो जाता है। तो लास्ट पे शार्प कटिंग देना है एक भी कटिंग करने के बाद, क्योंकि उसमें जब भी चीरा लगाने के बाद घुसाते हैं तो फिर ठीक से वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। और आपके पास अगर कटर नहीं है, मैं कटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग ब्लेड का यूज़ कर सकते हो, नया ब्लेड। तो बीच में ऐसा चीरा लगाना है थोड़ा सा, और जितना आपने भी सेप किया है थोड़ा सा उसको एडजस्ट करते हुए जैसे ही पुश करेंगे तो वो अपना जगह वो खुद बना लेगा। और आप खुद से अगर ज़्यादा चीरा लगाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं है, ईगो टाइट फिट नहीं बैठेगा। तो थोड़ा सा चीरा लगाने के बाद आप खुद का हाथ से पुश करेंगे थोड़ा सा, तो उसमें खुद का फिट हो जाता है टाइट, मतलब बिना बांधे ही वो टाइट लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है, अब सिर्फ उसको बांधने की देरी है। तो मेरा तो जो घर में ही प्लास्टिक था उसको काट दिया कैंची से, ग्राफ्टिंग टेप बना दिया। तो आप चाहे तो ग्राफ्टिंग टेप का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन मिल जाता है आसानी से। तो ग्राफ्टिंग टेप का भी आप यूज़ कर सकते, नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो भी प्लास्टिक है कैरी बैग तो उसको आप कैंची से काट के बना सकते हो ग्राफ्टिंग टेप। तो ऐसा करके कुछ बांध देना है, और बांधने के बाद जितना भी लंबे लंबे ब्रांचेस को भी कटिंग करना है, और जो पत्ते एक भी नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि नया ब्रांच उसमें एक्सेप्ट करने के लिए फिर से नया ग्रोथ लाएगा, पुराना ब्रांच ऑलरेडी रहेगा तो उसमें वो सक्सेस नहीं होता है, मर जाता है। तो जितने भी लंबे ब्रांच है मैंने काट दिया, क्योंकि ये ग्रो बैग में नया फिर से लगाया तो रिप्लांट किया, तो फिर से ग्रोथ अच्छा होने के लिए ब्रांच काट देने से नए नए ब्रांच फिर से निकल जाएंगे, और जो मेरा पहले से जो एग्जोटिक का जो ग्राफ्टिंग है उसमें भी थोड़ा ग्रोथ आने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैंने जितने भी लंबे लंबे ब्रांच था उसको मैंने काट दिया। अब देख रहे हो इधर मैंने किया था एग्जोटिक वाला, बट एग्जोटिक वाला ठीक से फिट नहीं हो रहा है, मतलब वो खाना प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके वजह से उसको ब्रांच को ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं अब क्या होता है, नया ग्रो बैग में भी डाल दिया है और ये वाला भी देखते हैं कब तक सक्सेस होता है। 7-8 दिन के बाद फिर से एक वीडियो आने वाली है, इस वीडियो में सिर्फ ग्राफ्टिंग तक, दूसरे वीडियो में आने वाला है कि सक्सेस हुआ कि नहीं, और फ्लोर भी, मतलब सक्सेस अगर हो जाता है तो फ्लोर भी निश्चित आ जाएंगे, क्योंकि वो भी देसी वैरायटी है। और मेरे ख्याल से अब एग्जोटिक को भी ग्रोथ ले लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ने उसको बड़ा ग्रो बैग में डाल दिया है छोटा से। तो वीडियो इतना तक ही, देखने के लिए धन्यवाद। और अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे हो, आपका हेल्पफुल हुआ है कुछ भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही प्लांट के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करो तो मुझे मोटिवेट मिलता रहता है कि हाँ और एक वीडियो बनाओ, और एक वीडियो बनाओ आप लोग के लिए। तो